हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे नेटवर्क, दो कंप्यूटर को लैन केबल से कैसे जोड़ते हैं। सो इसके विशेष में आज हम लोग सीखेंगे जानेंगे। तो पहले हम लोग एक डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद और एक डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। तो इस डिवाइस और इस डिवाइस में बीच में जो हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है लैन केबल और एथरनेट केबल और क्रॉस केबल। दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग क्रॉस केबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे इस डिवाइस के साथ। उसके बाद हम लोग एथरनेट केबल जोड़ने के बाद हम लोग इसमें सेट के दो डिवाइस में हम लोग सेट करेंगे, वो है आईपी एड्रेस। बिना आईपी एड्रेस हम लोग दो कंप्यूटर को जोड़ नहीं सकते और उससे डाटा ना ले सकेंगे। इसके लिए हम लोग आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर में जाके इसे हम लोग सेट करेंगे 192.168.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इस एड्रेस का सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। उसके बाद इस पीसी जो दूसरे पीसी है उसको भी हम लोग आईपी एड्रेस सेट करेंगे। इसके लिए सेम प्रोसेस जाओ। उसके बाद इसमें टाइप करेंगे हम लोग 192.168.0.0.2। सबनेट मास्क होगा सेम। उसके बाद हम लोग पिंग करेंगे इस कंप्यूटर को, हम लोग पिंग करेंगे। उसके लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टाइप करेंगे PING पिंग और दूसरे वाला सेकेंड वाला कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ में टाइप करेंगे 192.168.0.2। उसके हम एंटर। तो इसको कनेक्शन दो अच्छा सही तरीके हम लोग कनेक्शन किया है। तो उस दूसरे वाला कंप्यूटर से रिप्लाई दे रहे हैं। होप गाइस यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।